आज की जो हमारी क्लास है वो एमएस एक्सेस के ऊपर होगी। एक्सेस में आप देख पा रहे हैं कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिखाई गई है, इनके बारे में हमको जानकारी लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेस ओपन कैसे करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ पर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। ये माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिस पैकेज है उसी का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाया गया है। इसको ओपन करते ही अब इसकी जो फ्रंट स्क्रीन है कुछ ऐसे दिखाई देती है, और यहाँ पर आपको डेटाबेस क्रिएट करना होता है। तो डेटाबेस क्या होता है, इसके ये एक थ्योरी पार्ट है और इसका कंसेप्ट होता है इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, फिर डेटाबेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। एक्सेस में डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। डेटाबेस एक्चुअली डेटा को मैनेजेबल तरीके से स्टोर करने का एक तरीका होता है, और उसमें जो डेटाबेस के सिर्फ दो ही टास्क मतलब उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, कि जब भी हम किसी डेटा को डेटाबेस से मांगेंगे या क्वेरी करेंगे तो कम से कम समय में सही डेटा वो हमको रिटर्न करता है। यानी कि डेटाबेस एक एप्लीकेशन है जिसमें हम अपना डेटा देते जाते हैं देते जाते हैं। एक समय में बहुत बहुत ज़्यादा डेटा उसके पास इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जब भी हम एक डेटा उससे मांगते हैं तो वो फट से उसमें से ढूंढ करके कम से कम समय में और सही डेटा हमको रिटर्न करता है। यानी हमारा डेटा रखने का काम करता है वो, और जब भी हम उसको डेटा मांगते हैं तो वो हमें डेटा रिटर्न कर देता है। तो डेटा को उसमें रखना और डेटा को मांगने का जो तरीका है ये हमको सीखना है, बाकी सारा काम ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है। उसको ढूंढना, उसको रिटर्न करना, ये सब उसको आता है, बस हमको उसको डेटा देना और उससे कैसे मांगना है ये सीखना है। यही चीज़ ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमको सीखनी होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, अगर आपको कोई डेटा रखना होता है एक्सेस में तो मैनेजेबल तरीके से रखने का एकमात्र आसान तरीका है कि आप डेटा को टेबल के फॉर्म पे रखिए। जैसे आप एक्सेल में रखते हैं, आपने देखा होगा एक्सेल पे कि अगर मैं कॉपी पर डायरेक्ट ऐसे लिखना चालू कर दूँ इस तरीके से, सारे स्टूडेंट का नाम नंबर ऐसे, फिर यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट का नाम चालू हुआ नंबर, इस तरीके से लाइन से लिखना चालू कर दूँ, तो एक समय आएगा जब बहुत सारे लोगों का नाम नंबर हो जाएगा और मुझे ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होगी। ज़्यादा अच्छा तरीका है कि मैं सारे नाम को ऐसे लिख दूँ, सारे नंबर को ऐसे लिख दूँ, सारे उनके एड्रेस को ऐसा लिख दूँ, तो मुझे काफ़ी आसानी से मैं इसको ढूंढ सकता हूँ। क्लियर? तो टेबल के फॉर्म पे डेटा को हमको रखना होता है। ये डेटाबेस में कोई भी डेटा टेबल के फॉर्म पे ही रखा जाता है, लेकिन एक टेबल को रखने के लिए डेटाबेस होता है, यानी कि डेटाबेस के अंदर टेबल होता है और टेबल में डेटा होता है, और वो भी रो कॉलम के फॉर्म पर ही होता है, जैसे कि आप देखें एक्सेल में लगभग उसी टाइप का होता है। तो जैसे आप स्क्रीन ओपन करेंगे तो आपके पास ये ब्लैंक डेटाबेस वाला स्क्रीन आएगा। आपको सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है और आपका डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट होगा। आपको यहाँ पर देख लेना है कि डेटाबेस कहाँ क्रिएट हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स पे क्रिएट हो रहा है। मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और डी ड्राइव में क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर डी या ई ड्राइव सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, जैसे ही मैंने ई ड्राइव सेलेक्ट की है फाइल का नाम आ रहा है, देखिए database1.accdb, ये ACCDB इसका एक्सटेंशन है, एक्सेस डेटाबेस पूरा नाम है इसका, एक्सेस डेटाबेस ACCDB। ओके पे क्लिक करते ही डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। देखिए डेटाबेस क्रिएट हो गया और ऐसी स्क्रीन आ रही है, ये ब्लैंक डेटाबेस है। क्लियर है? जब आप यहाँ देखेंगे ई ड्राइव में जा करके, मैं यहाँ पे ई ड्राइव में दिखाता हूँ आपको, ये आपका ई ड्राइव है, और ई ड्राइव पर जाते ही आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर database1.accdb आपको दिखाई देगा। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो देखिए ये ब्लैंक डेटाबेस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि मैंने अभी ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट किया है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका जो ब्लैंक डेटाबेस है, अब हमको हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीख लिया, अब इसके अंदर टेबल क्रिएट करना सीखते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर ऊपर में केवल चार ही ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी बहुत कम ऑप्शन नहीं है, बल्कि इसमें एक ऑप्शन के अंदर कई सारे ऑप्शंस होते हैं। क्लियर है? तो देखिए मैंने डेटाबेस क्रिएट करना बता दिया, पहले डेटाबेस क्रिएट होगा उसके बाद ही टेबल क्रिएट होगा, क्योंकि टेबल डेटाबेस के अंदर होता है। ठीक है, और टेबल क्रिएट होगा तभी आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ऑल टेबल्स जो है ब्लैंक है, ये वाला हिस्सा जो है ब्लैंक है, तो मुझे टेबल क्रिएट करना है, तो हम जाएंगे क्रिएट में। और यहाँ पर देखिए आपको टेबल क्रिएट करने की चार तरीके दे रहे हैं। पहला तरीका है टेबल, दूसरा तरीका है टेम्पलेट, तीसरा है शेयर पॉइंट, और चौथा है टेबल डिजाइन। जो टेबल डिजाइन वाला जो मेथड है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यानी आपको टेबल क्रिएट करने बोला जाएगा तो टेबल डिजाइन को सबसे पहला प्रेफरेंस आपको देना है। टेबल डिजाइन को प्रेफरेंस देने का कारण ये है कि जो एमएस एक्सेस होता है उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे एक्सेल में आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी डेटा टाइप कर सकते हैं, कहीं भी डेटा डिलीट कर सकते हैं, या किसी भी डेटा को कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वैसा इसमें नहीं होता है। हर डेटा को इंसर्ट करने के पहले, चेंज करने के पहले काफ़ी सारी परमिशंस, उसके डेटा टाइप, उसकी रेंज वगैरह चेक की जाती है, उसके बाद ही ये होता है। इसमें एंट्री होती है और डेटा को हम फेच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती है ताकि गलत डेटा हमको ना मिले। यहाँ पर सही डेटा मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, सही डेटा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्योंकि अगर मैं डेटाबेस से डेटा की डिमांड कर रहा हूँ और वो मुझे 1% डेटा भी गलत दे रहा है, तो लोग डेटाबेस का यूज़ नहीं करेंगे। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा ये है कि आप नेट पर अपना रिजल्ट देखते हैं, रोल नंबर एंटर करते हैं, और आपका परसेंट एकदम उतना ही दिखाता है जितना आपकी मार्कशीट में आएगा 2 महीने बाद। अगर मान लीजिए आपने नेट में रिजल्ट देखा और उसमें 75% दिखा रहा है और मार्कशीट में 74.5 भी आ जाएगा, तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो जरा सी भी गलती ना हो उसके लिए डेटा को इंसर्ट करने से पहले या डेटा को फेच करने से पहले बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से गुजरना होता है, अदरवाइज डेटा को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। यानी कि इसमें जो डेटा जाएगा वो 99% सही ही जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। जैसे कि एक्सेल में आपने देखा होगा वैलिडेशन वाला ऑप्शन, कि हमने वैलिडेशन दिया था यहाँ पर तो सही डेटा ही इनपुट हो रहा था, अदरवाइज वो इनपुट नहीं हो रहा था। लगभग हर चीज में यहाँ पर वैलिडेशन लगा होता है, क्लियर है एक्सेस में। तो ये अंतर होता है एक्सेल और एक्सेस में। तो हम देखते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करना है। हमको टेबल डिजाइन कर गए यहाँ पर, अब हमको फील्ड नेम यहाँ लेना होता है और डेटा टाइप लेना होता है। फील्ड नेम इसको हम बोल सकते हैं, जैसे मुझे मान लीजिए एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम है रोल नंबर और एस नेम और एज। मुझे ये टेबल क्रिएट करना है, मैंने लिखा रोल नंबर 101। मैं थोड़ा सा फॉन्ट इसका बड़ा कर देता हूँ। और आपने जितना भी डेटा एंट्री के बारे में सुना होगा ना, वो इसी में होती है डेटा एंट्री। ठीक है, किसी का नाम मैंने लिखा अमन और एज लिख दिया मैंने 24, फिर मैंने 102 लिखा, 103। तो इस तरीके से मैंने एक टेबल क्रिएट किया। सेम यही डेटा अगर हमको क्रिएट करना हो एक्सेस में तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको बोलते हैं, थोड़ा सा आप इसको समझना है आपको, इसको हम बोलते हैं रो। यहाँ पर ये जो दिख रहा है उसको हम रो कहते हैं, ये रो है। एक्सेस में इसको रिकॉर्ड कहा जाता है, यानी कि आपको 3 रो आप बनाएंगे तो उसमें मैसेज आएगा 3 रिकॉर्ड्स, यानी रो के जगह रिकॉर्ड का नाम लिया जाता है, यानी उसमें नाम जो है टेक्निकल नेम जो है चेंज कर दिया गया है। रो को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। इसको बोलते हैं कॉलम, वहां पर बोलते हैं फील्ड, वहां पे फील्ड बोला जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है देखिए आपसे कि फील्ड नेम, यानी कि फील्ड नेम का मतलब है कॉलम का नाम। तो यहाँ पर ये अगर 3 फील्ड है हमारे पास या 3 कॉलम है, पहले कॉलम का नाम क्या है, रोल नंबर, दूसरे का नाम है एस नेम और तीसरे का नाम है एज। याद रखिए ये फील्ड नेम है। तो मैं यहाँ पर फील्ड नेम को इंसर्ट करता हूँ। पहला फील्ड नंबर नेम है मेरा रोल नंबर। आपको यहाँ पर किसी भी चीज में स्पेस नहीं देना है, यानी ऐसा आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा वो और काम नहीं करेगा। तो 99% लोग ये वाली गलती करते हैं, बीच में स्पेस दे देते हैं। स्पेस देना ही नहीं है, अगर आपको स्पेस दिखाना है तो अंडरस्कोर देंगे वहां पर। ठीक है, तो मैं रोल नंबर लिखता हूँ। रोल नंबर का डेटा टाइप हमें लेना होता है, रोल नंबर नंबर के फॉर्म में होगा, यानी किसी का रोल नंबर अगर ABCD, रोल नंबर में कोई ABCD अगर लिख देगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि
केवल नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद हम लेते हैं एस नेम। एस नेम जो है वो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट मतलब किसी का नाम वगैरह है या उसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज ली जाती हैं। नेक्स्ट है एज, एज भी आपका नंबर होगा। तो इस तरीके से मैंने तीन फील्ड क्रिएट किए, देखिए रोल नंबर, एस नेम और एज, ये सेम फील्ड इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा डायरेक्ट बनाया जाता है, वहाँ पर फील्ड बनाया जाता है विथ डेटा टाइप। डेटा टाइप इसलिए लिया गया ताकि वो वैलिडेट करके ही डेटा को इनपुट लेगा। यहाँ पर देखिए कुछ सेटिंग्स भी दिख रही है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मुझे टेबल का नाम पूछेगा, तो मैं यहाँ पर एक पॉपअप आया जिसमें पूछ रहा है कि आप टेबल को सेव करना चाहते हैं क्या, तो यहाँ पर हमको यस करना है। टेबल का नाम हम देंगे स्टूडेंट। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये भी कुछ एक ऑप्शन आता है प्राइमरी की वाला, इसको हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं, इसमें नो कर देते हैं हम फिलहाल, प्राइमरी की हमने नहीं लिया है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट नाम का एक टेबल बन गया है, और मैं जब इस पर राइट क्लिक करूँगा तो डिज़ाइन व्यू आ रहा है जिससे मैं फिर से इसकी डिज़ाइन देख सकता हूँ, टेबल की डिज़ाइन। और फिर जब मैं राइट क्लिक करके ओपन करूँगा तो एक ब्लैंक टेबल बन गया है, देखिए रोल नंबर, एस नेम और एज। अब मैं यहाँ पर डेटा एंट्री चालू करता हूँ। पहला मेरा जो था 101 और 24, 102 राजेश, 26, 103 मनोज और 23। तो ये जो टेबल मैंने बनाया है यहाँ पर देखिए आप दूसरे कहीं पर भी क्लिक नहीं कर पाएंगे, इसमें लाइन बाय लाइन एंट्री होती है और इस तरीके से एंट्री होती है, यानी कि आप बीच में एक कॉलम, ये एक लाइन छोड़ नहीं सकते हैं, यहाँ पर इसके ये एंट्री होगी उसके बाद ही आएगा, यानी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। जब मैं इसको बंद करता हूँ देखिए मेरा डेटाबेस कैसे क्रिएट हुआ। ऐसा टेबल मुझे क्रिएट करना था, एक्सेल में मैंने क्रिएट नहीं किया बल्कि यहाँ पर क्रिएट किया। देखिए डेटाबेस 1.accdb, इसमें जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एक टेबल बन गया है। एक टेबल को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बना हुआ टेबल दिख रहा है, ये एक्सेस में टेबल बना हुआ है। अब इस डेटा, इसे हम बोलते हैं डेटाबेस में, डेटाबेस कहते हैं, और इसमें आपके पास कुछ माइनर ऑप्शंस ही दिख रहे हैं, लेकिन ये सारे ऑप्शंस जो है प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपके जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेट, डेटा एंट्री के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन किए जाते हैं उसमें बैकएंड का काम करता है ये एमएस एक्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एमएस एक्सेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं।